दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार यादव। साथियों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं पटवारी में आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है और प्लस में क्या पटवारी की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन से डाउन जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, दो बिंदु पर साथियों अपन यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले सेफ स्कोर मैं आपको बताने से पहले नॉर्मलाइजेशन पर एक छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। देखो साथियों, नॉर्मलाइजेशन से आपकी कट ऑफ में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, ठीक है, और आपकी कट ऑफ है निश्चित रूप से साथियों डाउन जाएगी। इसमें कोई भी वो कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, ठीक है। इस साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं सेफ स्कोर। देखो दोस्तों, मैंने कट ऑफ के बारे में इससे पहले लगभग 3 वीडियो बनाए थे, लेकिन काफ़ी साथी बार बार कमेंट्स कर रहे हैं 6 या 7 दिन से लगातार कि सर कट ऑफ का नया वीडियो और बनाइए। देखो दोस्तों, मैंने आप में कमेंट्स मैंने जवाब भी दिया है कि प्रतिदिन एक ही चैनल के माध्यम से नई कट ऑफ जारी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। देखो भाई, मैं तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप खुद भ्रमित हो जाओगे, खुद परेशान हो जाओगे कि ये क्या सिस्टम है। आज आपने ये बता दिया, कल आपने ये बताया। देखो साथियों, हमने जो 14,000 बच्चों पर सर्वे करवाया था वो मैंने आपको कट ऑफ पहले बता दी है। ये मैंने तो आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। जो मैंने बताई है उसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। हमने राजस्थान पुलिस की निकाली, रीट की निकाली, एसआई की निकाली, ठीक है ना। जितनी भी कट ऑफ हमने निकाली है साथियों, लगभग 1 या 2% आगे पीछे वो देखने को मिलती है। इब साथियों, सेफ स्कोर की बात की जाए, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, 207 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, आप बिल्कुल सेफ जोन में स्थित हैं। और जो बाकी कैटेगरी है, 1 या 2 नंबर आप नीचे लेकर चल सकते हो, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। और जो मेल कैंडिडेट यदि आपके भाई 160 प्लस और लगभग 190 प्लस के बीच है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसमें सभी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो गए हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से शामिल हो, यदि आप कितने नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं।